सब लोग आप बताओ कैसे, हम तो बड़े अच्छे हैं। हाँ भाई बताओ क्या हो गया, बस भाई बस तो गाइस ये बताओ कि आप कैसे हो, हम तो बहुत अच्छे हैं। तुम मतलब कैसे, बड़े दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, इसे तो बनाता नहीं, भूल गया ब्लॉग बनाना, कैसे बनाता कैसे नहीं बनाता। ओ बीमार हो गया था, आज तुम्हारे लिए ब्लॉग आ रहा बहुत सेक्सी वाला, एक नंबर, जिसमें फुल फन है, तब फुल अपनी जो चेस्ट वर्कआउट है वो है और रहेगा बीच, अभी बस एक बार वो हो जाए ना मेरे पास माइक के जुगाड़ हो जाए, सैलरी नहीं आई, सैलरी आती माइक ले लूंगा भाई, माइक लेते क्या होगा कि कॉपीराइट का इशू होता है जिम में, मना नहीं कर सकते गाने चलाने के लिए, तो आप लोगों के लिए मिलेगा बढ़िया बढ़िया व्लॉग और हो सकेगा ट्रांसफॉर्मेशन का व्लॉग भी आए। अब 90 डेज का चैलेंज करेंगे हम कि दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन, पहले तो हो नहीं पाया, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि भाई आएगा वहाँ पर, मामी का लड़का, उसको जाना बैंगलोर, तो उसको लेके आना है, फिर कल की फ्लाइट है, कल की फ्लाइट है, तो उसे एयरपोर्ट छोड़ के आना है। तो गाइस ये बात ऐसी है कि हर संडे व्लॉग करेंगे क्योंकि डेली तो बना नहीं सकता, जॉब लग गई भाई की तुम जैसे की पता ही है, इसलिए हर संडे व्लॉग करेंगे और प्यार देना थोड़ा व्लॉग को, क्योंकि पैसा से बनेगा ना, ठीक है भाई, आराम है, लालची आदमी। गाइस आई पहुंच चुके पहलादपुर, तो यहाँ पर कुछ खाने का देखते हैं, मिलता है तो खिलाऊंगा, अभी कुछ भी नहीं बेटा, शाम से पहले सोच तो रहा था मैं कि बोल के थोड़ा क्या पता कैमरे का बोल दे खिला दूंगा, रिकॉर्ड कर लेना, शाम से पहले देखो कुछ नहीं खिलाऊंगा, बाहर का जिम करता है और मतलब इसको 24 घंटे, चलो ठीक है मान लिया भाई सर्दी आ गई, सर्दी गेनिंग में सब चीज खा लेते हैं भाई, गेनिंग का मतलब यही है, हम तो भाई जो जिससे फैट बढ़े जितना है, जितनी गेनिंग हो सकती है ना उतनी गेनिंग करते हैं, इसको हर भाई एक घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए, ये खिला दे भैया, वो खिला दे भैया, ये पापा वो ये वो, सुअर कह दे खाने के मामले में सिर्फ भाई। अभी एक बात है सही भैया, तो मैं पहले कितना फट्टू था ना, तू तो अब भी फट्टू ही है ये सोच रहा है कि इसका शरीर बन रहा है तो कितना वो हो गया। अबे ऐसे नहीं, पर जिगरा भी थोड़ा सा आ रहा है अंदर, समझ रहा ना हेटर्स भाई, शॉर्ट्स के बारे में भी कुछ बोल दे भाई इनसे यार। अबे हाँ यार शॉर्ट्स पे प्यार बैठता हूँ, हाँ 16,000 एक रील पहुंच सकती है, 17,000 और आगे लेके जाओ, थोड़ा आगे लेके जाओ, बेसिकली मैं पॉइंट बताता हूँ, अगर हमें जैसे कि टाइम मिल रहा है 1-2 घंटे मिल रहे हैं, तो 1-1.5 घंटे में क्या होता है कि हम कंटेंट सोच भी लेते हैं, प्रॉपर तरीके से बना भी लेते हैं, हमारा शेड्यूल क्या रहता है भाई, सुबह 7 बजे उठना, जॉब पे भगना, शाम को 7 बजे आना, पूजा करना, फिर वीडियो बनाना, तुरंत सोच के तुरंत वीडियो बनाना, भाई टाइम नहीं मिल पाता, फिर जिम जाना, फिर आना, डाइट लेना, सो जाना, पूरा शेड्यूल, सुबह यही प्रॉब्लम रहती है, बस पॉइंट यही है यार कि हमें जैसे जैसे टाइम मिलता है ना वैसे करते हैं, मतलब ये है कि हमारा डेली तो वीडियो आनी है, किसी भी हाल में आनी है, चाहे कुछ भी हो पर वीडियो आनी है यार, पॉइंट ये रहता है, हम कुछ भी नहीं बना सकते ना, अति रहती अपनी ऑडियंस है कि तुम देखना चाहते हो कुछ अच्छी चीज, हम झटका मार देते हैं, पापा भी लड़ते हैं कि ऐसे क्यों बना देते हो, अब यार हम पे टाइम रहेगा 1-2 घंटे रहेंगे तो हम आराम से बैठ के पीसफुली सोचेंगे, फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे अच्छे से एक्ट करके, तब प्रॉब्लम नहीं होती है, इसकी एक्टिंग बता दो कैसे लगती है, ये खचरा तो है भाई, सामने देख रहे हो ये वाला पुल, ये जा रहा है मुंबई को टच हो रहा है भाई, देख रहे हो कितनी जल्दी इतनी तेजी से काम चल रहा है ना भाई, अभी और मैं अपने 3-4 व्लॉग में आपको दिखा चुका हूँ कि कितना कितना काम हुआ, जब तो पिलर ही खड़े थे तो पीछे तक बनता हुआ आ गया है, पूरा का पूरा बल्लभगढ़ से होते उससे आगे बढ़ता हुआ आ गया भाई, इतनी तेजी से काम चल रहा है ना, तो हर महीने कह रहा इतनी तेजी से चल रहा है जिसकी कोई हद नहीं, अगर इतनी जल्दी अगर अपनी दिल्ली में भी काम होने लग जाए, केजरीवाल कराने लग जाए, तो सोच कितनी बदल जाएगी अपनी, भाई काम करता है केजरीवाल स्कूल देख यार तो इसमें डूब के मर जा। गाइस मेट माय ब्रदर्स, ये हमारी बुआ का छोरा, ये भी हमारी बुआ का छोरा, ऐसे समझ लेना। तो भाई एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे से लोग कहते थे कि फरीदाबाद में तूने क्या कमाया है, तो भाई मैंने ये भाईचारा कमाया, पूछो क्यों भाई, देखो मैंने को रात को 10:30 बजे एक दोस्त का झगड़ा हुआ था NHPC से, मैं था उस टाइम पे दिल्ली, भाई को फोन करा, एक कॉल करी, भाई पहुंच गया सीधा NHPC पे, मजा आ गया था भाई, कुछ भी जिम चल रही है, ये टाइट तो करो, नो नजर लग जाएगी नो। और सुना भाई सचिन क्या हाल है, हमने इतनी मौज काटी, इतनी मौज करी है ना, हमने इतनी लड़ाई झगड़े करे ना, बहुत मजा करा आपस में, नहीं बाहर बंदों को बहुत मारा कि भाई सचिन। गाइस निकलते हैं भाई, बुआ के यहाँ आया था, अब व्लॉग तो कर नहीं पाया, थोड़ी सी बातें बातें कर रहे थे आराम से, और भाई भाई को कहते हैं बाय बाय, भाई मिलते हैं ठीक है, भाई बहुत फनी बंदे हैं, मिलवाऊंगा आपसे भी अच्छे से जब टाइम होगा, मस्त वही आऊंगा अपने।
बिल्कुल दिल्ली आना भाई, इनविटेशन दे रहा हूँ अभी से। घर कौन सा आपका? इसी गली पे येलो। गाइस फाइनली अपने नानी घर आ चुके हैं हम। मीट माय नानी। और नानी क्या हाल है आपके? अरे रुको, गंदे दिख रहे हो। रुको नानी, क्या हाल है आपके? ठीक है हाल है। तू खा ले गोला। गोला देख रहे हो भाई, ये हमारी नानी है। अभी नानी नानी हमारी परेशान हो जाती है, तुम्हारे साथ जीऊंगी नहीं जीऊंगी। तो भाई आपको जीना है, अभी हमारी शादी देखनी है। मुश्किल है बेटा, अभी मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। इमोशनल ना हो, थक पड़े यार। हर वक्त सहकार चले, हार चले, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। अभी तो आराम से बैठो, इलाज करवाएंगे मस्त आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। नानी हमारी और ये हमारा भाई है। और भाई क्या हाल है? तबीयत ठीक है तेरी? भाई थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी भाई की, कल की फ्लाइट है। कल की फ्लाइट है तो भाई को लेना है हम स्पेशली यहाँ पर। ठीक है नानी, ठीक हो तुम? कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत परेशानी कहाँ होगी, बताओ बताओ कुछ। तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक। हम तो ठीक ही हैं, तुम्हारा पोता ठीक, तुम्हारे नाते ठीक, सब बढ़िया। ठीक है, टेंशन हो, तुम्हारी बेटी और खुश है, तुम्हारी बेटी भी खुश है क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ। लोंडा तुम्हारा वो छोटा वाला पढ़ रहा है मस्त। 2 लाख रुपया लगवा दिया। अब क्या करे भाई यार, बीमार हो गए थे डेंगू में, 2 लाख रुपए लग गए यार। तो डिस्चार्ज होने में 2 लाख रुपए था एक हफ्ते के। 2 लाख महंगी, सब चीज महंगी कर रखी है। प्राइवेट रूम था तभी प्रॉब्लम हो गई। गाइस टैग कर देना उस नानी को जो आपको इतना प्यार करती है। भाई हमारी नानी तो बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा। यहाँ हमारी दीदी बना रही है हमारे लिए पास्ता। भाई पास्ता बन रहा हमारा व्हाइट सॉस पास्ता। और दीदी क्या हाल है आपके? ठीक हो? बढ़िया एकदम। तो भाई पास्ता खाएंगे मस्त। जैसे तो मैंने आलू की डिमांड करी थी, आलू की सब्जी। हेलो भाई, आलू की सब्जी इतनी जहर बनाती ना मेरी नानी, इतनी बढ़िया बनाती ना, मजा आ रहा था। मतलब जहर मीन कि ये पॉजिटिव वाला जहर था, इतनी बढ़िया बनाती ना, एक नंबर। भाई अभी आलू की सब्जी भी खाएंगे, पहले पास्ता खाते हैं। पास्ता टेस्ट करते पहले, नमक डालना थोड़ा सा। फाइनली हमारा पास्ता आ गया और भाई खा रहा है। ये देखो भाई, ये तो धो रहा है, ये तो छोड़ता ही नहीं कुछ भी चीजें। मेरे हिस्से का भी खा जाता है। सही में डालूंगा इसकी शकल गंदी सी, तेरे को भी लड़की भी भावना देगी। गाइस एक चीज बताऊं, इस भाई की पता कितनी सेटिंग है? 5 इसकी है। तेरी कितने भाई? इसकी नहीं, ये इसको मीठे पसंद है। क्या कितने पैसे लेते हैं? 50 लेते हैं और 30 दाढ़ी के। बेंगलोर में कितने लेते हैं? 100। मतलब बिल्कुल डाउन वाला 100 लेता है। डाउन वाला? मतलब बेसिकली पॉइंट ये है, डाउन वाले का मतलब ये है जो सबसे नीचे जो यानी कि पेड़ के नीचे लगाता है ना, वो 100 रुपए लेता है एक तरीके से। पेड़ वाले हैं? पेड़ वाला ही नहीं हुआ तो मतलब जो गंदी से गंदी दुकान होगी, दुकान रहती है उनपे 100 रुपए, थोड़े सैलून पे चला गया था वहाँ तो। गाड़ी के 50 रुपए, 90% बाल काटने वाले सब यूपी इलाहाबाद। देखो पैर जोड़ के गंडासी मारी, ये मेरे मेरे हिसाब से गंडासी। वैसे गंडासी नहीं है, मैं बता दूंगा। नहीं मार दे गरम तो भाई बाल गंदे। यहाँ चल रहा है साग और मक्के की रोटी मस्त। और ये भाई बैठा हमारा, क्या हाल है भाई तेरे? ठीक है, बढ़िया। साग वाग चल रहे हैं। कितनी रोटी खाई तूने अभी? अरे जुड़ू बोल रहे 4 खा गया दूसरी है। भाई मैं भी ऐसे, दोनों की डाइट हमारी सेम है एकदम मस्त मजे से खा रहे हैं। और यहाँ पर रखा है लड्डू, इसको खाने के बाद हम खाएंगे लड्डू। मीठा जरूर होता है खाने के बाद। भाई भाई ये घर जो है अपना, ये वाला घर हमारी बड़ी मामी का घर है, तो हम यहाँ पर आए मस्त खाना खा रहे हैं। गाँव आके अगर मक्के की रोटी और साग नहीं खाए तो क्या खाया भाई? ये तो नहीं खा रहा, बस लड्डू खा रहा है। भाई कहाँ गुजरा, बाहर तो निकल। वो शेर क्या है, नींद आ रही है? अरे नींद नहीं, पहले बता एक बार बता मुझे। खड़ो खड़ो, तूने लड़ाई करी है कभी स्कूल में? नहीं नहीं करी। ट्यूशन में हुई है? तो तेरे क्या हुआ था उस टाइम, क्या तूने उन्हें मारा था? है अभी थोड़ा पिटा था, थोड़ा पिटा था पर हाँ, मार बेइज्जती करा दी तूने। थोड़ा पिट करा उस आओगे, बेइज्जती करा दी यार। थोड़ा क्यों पिटा तू भाई? एक क्या, दो रिश्ते खा गिनती के बाद। बस तूने कितने मारे? अच्छा 5-6 मारे। अरे बढ़िया है। मैंने आपको अपना लुक नहीं दिखाया ना, अब मैं दिखाता हूँ अपना लुक। तुम्हारा भाई बनके क्या है? लो जी हमारी रोटी आ गई भाई, दूसरी वाली मामे के घर पे जहाँ पहले आए थे। अब तुम ये बोलोगे तुम भाई कितना खाते हो? देखो भाई 2 रोटी माँ खाई थी साग की, क्या 2 रोटी यहाँ खाऊंगा आलू की, क्या दोनों का दिल रख लिया तुम्हारे भाई ने। तो भाई यहाँ चल रहा है अपना खाना, देसी वाला एकदम, देसी घी, लोनी घी डाल के एक नंबर। ठीक है, इसके इसे खा के इतनी पावर आ जाती है ना शरीर में, बहुत तगड़ी पावर आ जाती है। ओ कितनी पावर आ जाती है? बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। इतनी
पंजे लड़ा ले जा। हाँ पंजे लड़ा ले जा। खाने फिर लगाएंगे पंजे। भाई रोटी खा के पंजे लड़ेगा ठीक है। ये कह रहा पंजे लड़ेगा तो पंजे लड़ेगा मेरे और उसके बीच में। आओ देखते हैं तो क्या क्या पैक कराए। मक्के का चून है। और ये क्या है इसमें? हरा धनिया। और ये लड्डू भी हमारे घर जाने हैं। ये तो मामी लेके आई है लड्डू। और ये भी घर जाने हैं सर। और मूली तीनों चीजें पालक। भाई नानी ना मोज कर देती है इतनी सारी चीज देके ना। आपकी रानी कर देती है तो जरूर कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि हमारी नानी तो बहुत सारी चीज बहुत सारा सामान पैक करके दे देती है हमें। भाई लड्डू ले कभी कुछ ले गोंद के लड्डू ले मूली ले जितनी सब्जी है ना हरी भरी सब भर देती है कि बस। और गर्लफ्रेंड टिकट तेरी मेरी है नहीं। झूठ बोलेगा हाँ। मनीष तो बताता है हाँ मिला हूँ मैं रोज रात मतलब रोज मिलता हूँ उससे मतलब मिलता हूँ उससे। तो गाइस फाइनली अब लग रहा है अपना मैच पंजे का। तो मुझे पता ही हारेगा तो मैं भी हारूंगा देखना। 3 2 1 तो गाइस ये चीटिंग हुई चीटिंग चीटिंग चीटिंग। तो गाइस ये मैंने इसका दिल रखने के लिए इसको जीतने दिया कोई बात नहीं इतना बड़ा बड़ा भाई बड़े भाई का फर्ज बनता है कि छोटे भाई को खुश रखे ठीक है। चलो बाय 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 बाय। चलो भाई तो हमारा भाई थोड़ा इमोशनल हो गया था यार। कोई दिक्कत नहीं आज ये तो होता ही है। मतलब जब से पढ़ने गया है ना कम से कम 1.5 साल हो गए से गए ना। 1.5 साल में पहली बार इतनी लेट टाइम तक रुका है मतलब ज्यादा दिन रुका है तो थोड़ा इमोशनल हो ही जाता है बंदा। मैं इसलिए पहले बाहर आ गया था क्योंकि मैं भी खुद रोने लग जाता यार सब। पर मेरी छोटी मामी जो है ना भाई बहुत स्ट्रांग है यार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इवन मैं बताऊं मेरे मामा नहीं है छोटे मामा नहीं है मेरे तो उनकी डेथ हो गई थी बहुत टाइम पहले ही। मामी ने खुद नहीं हैंडल करा था सब चीज बहुत स्ट्रगल कर मतलब बहुत स्ट्रगल करा लाइफ में। ये भी भाई स्ट्रगल कर रहा है यार चल कोई नहीं टेंशन ना ले बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और यही चाहेंगे भाई लाइफ में स्ट्रगल करोगे जितनी मेहनत करोगे ना उतना फायदा है फल तो मिलेगा। फल मिलता है भाई हर किसी को मिलता है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मेहनत बिना कुछ नहीं है लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। इवन हम भी भाई करते हैं जितना हो सकता है हम उतना करते हैं पर मेरे को अब भी यही लगता है कि हम उतना नहीं दे पा रहे जितना हमें देना चाहिए अपनी लाइफ में मेहनत करनी चाहिए जितनी। लो जी तुम्हारा भाई आया भाई माइक्रोवेव लेने के लिए घर के लिए। कुछ ज्यादा पैसा कमा लिया मैंने थोड़ा खर्चा कर लेता हूँ घर के लिए। तो अपना ये माइक्रोवेव कम्प्लीट हो गया 10 मिनट में पैक करवाते फिर निकलते हैं। गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं घर पे। अब करेंगे अनबॉक्सिंग किस चीज की इस चीज की। कलवा आ गया लेके चल भाई। ओए कलवा कैसे बोल रहा तू मेरे को मुंह से शुक्र है। चल अनबॉक्सिंग कर फटाफट। मम्मी बताओ क्या है सरप्राइज है आपके लिए बताओ क्या लेके आऊं मैं। दिख गया वो यहां पर लिखा हुआ है। मम्मी को बनाने आता लो मम्मी चेक करो अब तुम्हारी दिक्कत नहीं होगी। जो पापा रात को आपसे हलवा गरम कराते ना गाजर का सब्जी गरम कराते ना जरूरत नहीं पड़ेगी अब तुम्हें। यह माइक्रोवेव ये लो जी माइक्रोवेव लिया है मम्मी तुम्हारे लिए। टेंशन नहीं अब ठीक है ठीक है। कितना बड़ा कोई नहीं किचन में कोने में सेट कर देना। गाइस संडे था आज तो संडे बहुत हेक्टिक दिन रहा अपने भाई को लेके आए हम मस्त। और भाई क्या हाल चाल तेरे घर पे आ चुके हैं और बैठे मेरी और सुअर मतलब भाई ये जा रहा है लेके आया तुम्हारे भाई सब्जी बाहर से तो बाहर से खाना खाएंगे मस्त आराम से। मम्मी ऐसे मत बोलो हाँ भाई चिकन खाने से बयाना होते हैं मम्मी कहती है पर हम चिकन नहीं खाएंगे हम खाएंगे सब्जी और रोटी है ना भाई हरी सब्जी खाएंगे आलू। हाँ अब थोड़ा सा प्रैंक व्रैंक भी करेंगे वो बाद में प्रैंक की वीडियो आपको देखने को मिलेगी उससे पहले आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा कल तो आप ब्लॉग देखिएगा।